हेलो दोस्तों, हम अपने संविधान में दी गई कुछ फेडरल प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कुछ बातें पढ़ी हमने। तो आज पढ़ते हैं जी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी है और उसके साथ साथ रिजिड भी है। भी इतना आसान नहीं है इसको चेंज करना। अगर आपने संविधान को चेंज करना है तो जो अधिकतर प्रोविजन है उसको चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और अगर आपने संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन चेंज करने हैं, तो हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो स्पेशली दोज प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन या जुडिशियल स्ट्रक्चर। तो ऐसी प्रोविजन वो क्या है, रिजिड है। देखो, जुडिशियरी भी तो हमको स्ट्रांग चाहिए ना। तो क्यों? क्योंकि जुडिशियरी सेंट्रल स्टेट झगड़े का निपटारा करती है, तो इसलिए ये वाली चीजें क्या है, रिजिड है। टू अमेंड दीज प्रोविजंस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपने सेंट्रल स्टेट रिलेशन से या जुडिशियरी से संबंधित या फेडरल सिस्टम से संबंधित कुछ प्रोविजन को चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। उस प्रोविजन को, उस मोशन को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और उसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए। ठीक है जी। आगे है जी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर फेडरल सिस्टम बनाया गया है तो सेंट्रल स्टेट में कोई पंगा पड़ जाए, या विद इन स्टेट कोई पंगा पड़ जाए, कुछ कंफ्लिक्ट आ जाए, तो उस कंफ्लिक्ट के निपटारे के लिए हमको जुडिशरी चाहिए। और जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आप जरा सोचकर देखो, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो, फिर तो ऑब्वियसली है कि जुडिशरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ का फैसला देगी। तो इसलिए हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है वो। इससे क्या हेल्प होगी, प्रोटेक्टिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जुडिशियल रिव्यू। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बना लिया जो कि संविधान के खिलाफ जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू कौन करता है, जुडिशरी। और जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेक करती है कि हाँ भी ये कानून संविधान के हिसाब से ही बना है ना, और संविधान के साथ कोई ऐसी वैसी छेड़खानी तो नहीं हो रही। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। हमने देखा भी कैसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट था, लेजिस्लेचर से, वो अपने हिसाब से संविधान को चेंज कर रहे थे। तो फिर जुडिशियरी आई मैदान में और जुडिशियरी ने ये कहा कि हे पार्लियामेंट, कि आप संविधान को चलो चेंज तो कर सकते हो, पर आप संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार प्रोटेक्ट किया सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, किसने किया, जुडिशरी ने। अच्छा जी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही रहेगा तो ही तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन बरकरार रहेंगे। पिछले पॉइंट हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही तो पढ़े हैं। तो इसके अलावा देखिए, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स और बिटवीन वेरियस स्टेट्स एज वेल। चाहे कोई डिस्प्यूट पड़ जाए सेंटर और स्टेट में, या बिटवीन वेरियस स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कंफ्लिक्ट हो जाए, तो उसको सेटलमेंट कौन करता है, जुडिशियरी। फॉर एंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर। अब जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जुडिशियरी है। जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, जुडिशियरी। जाके जाकर जब हम जुडिशियरी के ऊपर ना चैप्टर पढ़ेंगे ना, न्यायपालिका के ऊपर चैप्टर पढ़ेंगे, तो चीजें और क्लियर होगी। इनका देखो, जो जजेस होते हैं उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। जब जजेस चुनकर आ जाते हैं हायर जुडिशियरी के, तो उनको हटाना इतना आसान नहीं होता। उनकी कार्यकाल, उनके टेन्योर की सिक्योरिटी होती है। उनकी फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होती हैं, तो जो उनको तनख्वाह, सैलरी, अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, और जो उनको जो सर्विस कंडीशंस हैं, उनको जो उनको सोप्स वगैरह मिलेंगे, वो सारे क्या है, वो कम नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार उनकी क्या है, इंडिपेंडेंस सुनिश्चित की गई है संविधान में। आगे देखो जी, आगे है जी बाइकैमरलिज्म। फेडरल स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है बाइकैमरलिज्म, मतलब हमारे यहाँ पर जो सेंटर में पार्लियामेंट है उसके दो सदन होते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में क्या है, एक होता है आपका लोअर हाउस जिसे कहते हैं लोकसभा इंडिया में, और एक होता है अपर हाउस और जिसे कहते हैं राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इंडिया में कहते हैं, और इनकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है। आपके यूएस में अलग है, यूके में अलग है। अच्छा जी, तो जो राज्यसभा होती है, जो अपर हाउस होता है, उसमें क्या है, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं।
जो स्टेट्स के एमएलए हैं वो वोट डालकर बंदों को चुनकर जहां पर भेजते हैं, इसका मतलब स्टेट की रिप्रेजेंटेशन किसमें हुई, राज्यसभा में। और लोकसभा में क्या होता है, पूरे इंडिया से एमपी चुनकर आते हैं। तो राज्यसभा को कहा जाता है कि ये हेल्प करता है किसमें, इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में राज्यसभा हेल्प करता है। चाहे राज्यसभा के पास लोकसभा के कंपैरिजन कम पावर होती है, पर फिर भी इसमें स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अगर सेंटर कोई ऐसा कानून लेकर आए, कुछ ऐसे नया पॉलिसी लेकर आए जो कि स्टेट्स के खिलाफ जा रही हो, तो राज्यसभा उसका विरोध करता है। ठीक है जी, आगे है जी यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में दी गई कुछ यूनिटरी फीचर्स कौन कौन सी है कि जिससे साबित होता है कि हाँ भी सेंटर और स्टेट की पावर डिवाइडर नहीं है, बल्कि जो सेंटर है उसका कंट्रोल ज्यादा है, उसके पास पावर ज्यादा है। तो पहला तो है जी स्ट्रॉन्ग सेंटर। संविधान में ही जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। कैसे, कि सेंटर के पास पावर ज्यादा है, सेंटर के पास पावर ज्यादा दी गई है। और दूसरा जो लिस्ट है सेंट्रल सब्जेक्ट्स की, जिसके ऊपर जो यूनियन लिस्ट है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं कि सेंटर उसके ऊपर कानून बना सकती है, उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं। और आजादी के बाद ये सब्जेक्ट और इंक्रीज ही किए हैं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी ज्यादा, पावर भी ज्यादा। सो सब्जेक्ट के साथ साथ ना नंबर के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना वो भी किसमें है, यूनियन लिस्ट में है। और यूनियन के पास, सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर है किसके ऊपर, कंकरेंट लिस्ट की। आपको पता है कि कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है जी। पर अगर दोनों ने कानून बना दिया और वो कानून आपस में कंफ्लिक्ट में आ गए, सेंटर वाला कानून और स्टेट वाले कानून क्या है, आपस में कंफ्लिक्ट में आ गए, तो फिर ओवरराइडिंग पावर किसकी होती है, सेंटर की। इसका मतलब जहां भी सेंटर पावरफुल हो गया। और दूसरा कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि ना तो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ना कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, तो उसे कहते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स या रेजिडरी पावर्स। तो वो किसके पास है, वो भी सेंटर के पास है। तो हम देख सकते हैं कि सेंटर हमारा ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है जी। बाकी आपको पता है कि जब इमरजेंसी लगती है तो वैसे सेंटर स्ट्रांग हो जाता है। आगे देखो जी, स्टेट्स हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जो स्टेट की टेरिटोरी है, स्टेट का एरिया है, उसको चेंज कर सकता है कौन, सेंटर, पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कैन चेंज द एरिया, उसकी बाउंड्रीज, इवन तक की नेम ऑफ एनी स्टेट, दैट टू विद ए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत भी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से ऐसा कर सकता है कौन, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन सेंटर। आगे है जी, हमारे देश में सेंटर और स्टेट का संविधान अलग अलग नहीं है, पूरे देश का एक संविधान है। ये भी यूनिटरी फीचर हो गए। और इसके अलावा हमारी संविधान की काफी प्रोविजंस हैं, मैनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर और सिंपल मेजोरिटी से। इसका मतलब हमारा संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल भी है। तो अगर सिंपल मेजोरिटी से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक, इसका मतलब सेंटर का होल्ड ज्यादा है। अगर तो स्पेशल मेजोरिटी होती और रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट होती, तो हम कहते हैं कि हाँ भी स्टेट के भी से है। पर काफी प्रोविजंस ऐसी हैं जो सिंपल प्रोसीजर, सिंपल मेजोरिटी से चेंज की जा सकती है संविधान की। फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द इनिशिएशन कैन बी डन बाय पार्लियामेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने संविधान का संशोधन करना है तो संशोधन करने की प्रक्रिया की शुरुआत सिर्फ पार्लियामेंट में की जा सकती है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर। वो कंडीशन कौन सी थी याद करो, जब स्टेट ने कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करना हो, फॉर्मेशन करनी हो, क्रिएशन करनी हो या एवोल्यूशन करनी हो, तो उस चीज की इनिशिएशन शुरुआत एक स्टेट कर सकता है, उसके बिल की शुरुआत कर सकता है। पर अल्टीमेटली पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास। वो बिल बाद में पार्लियामेंट में जाएगा, पास होगा तो ही मान्य होगा। और वैसे बाकी सारे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की इनिशिएशन कौन कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट। ये बात हो गई। आगे है जी नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। देखो जो हमारा ऊपर वाला सदन होता है जिसे कहते हैं राज्यसभा, अपर हाउस, उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेशन आते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हर एक स्टेट को पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ सीट अलॉट की गई है। किसी स्टेट को एक सीट है, किसी को 31-32 भी है। अच्छा जी, पर यूएस में क्या है, इन द यूएस द स्टेट्स आर इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द अपर हाउस। तो वहां के अपर हाउस को कहते हैं सीनेट। तो सीनेट में जो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है वो बराबर है। कैसे,
ईच स्टेट हैज टू मेंबर्स इन द स्टेट इन द सीनेट। तो सीनेट में हर एक स्टेट के दो मेंबर होते हैं, चाहे छोटा स्टेट है चाहे बड़ा स्टेट है। क्यों, एम क्या है इसका, टू सेफगार्ड द स्मॉलर स्टेट्स, ताकि जो छोटे स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को हानि ना हो, उनके इंटरेस्ट को हानि ना हो। इसलिए छोटे स्टेट बड़े स्टेट सब स्टेट से कितने हैं, दो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। पर हमारे यहाँ क्या है, बट इन इंडिया स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस मतलब राज्यसभा में इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो वो जनसंख्या के आधार पर है। यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो राज्यसभा में यूपी से आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा वो भी ज्यादा है। Thus, the states are unequally represented. कहां, इंडिया में। आगे है जी emergency provisions. आपको पता है जब emergency लगती है, खास तौर पर national emergency, तो power किसके हाथ में आ जाती है, center के हाथ में। During an emergency, the states become under the total control of the center. तो state किसके control में चले जाते हैं, total control of center. अच्छा जी, आपने याद रखनी बात, आगे जाकर हम पढ़ेंगे emergency provision को डिटेल में, जहां पर जो स्टेट की असेंबली है ना वो डिसॉल्व नहीं होती, वो डिसॉल्व नहीं होती, बस पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास। आगे देखो जी, दस विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान की अमेंडमेंट किए बगैर फेडरल स्ट्रक्चर इज, क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर को आप, कन्वर्टेड इंटू यूनिटरी स्ट्रक्चर। एमरजेंसी प्रोविजन आई तो फेडरल स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट होगी, यूनिटरी में, ठीक है जी। आगे देखो जी, हमारे देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप पूरे देश के नागरिकों की एक ही सिटीजनशिप होगी, वो क्या है, भारत की सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता। पर अगर आप यूएस में देखो तो यूएस में फेडरल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप अलग और स्टेट गवर्नमेंट की सिटीजनशिप अलग होती है, वहां पर डबल सिटीजनशिप होती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, यूनिटरी फीचर है। अच्छा जी, अगला पॉइंट देखो जी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड। हमारे जहां पर सेंटर और स्टेट की अलग अलग जुडिशरी नहीं है, एक ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एक बड़ी कोर्ट, उसके नीचे छोटी कोर्ट, उसके नीचे और छोटी कोर्ट, उसके नीचे और छोटी कोर्ट, ये आपस में सारी जुड़ी हुई हैं। अगर अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो उसको आप चैलेंज और उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी। एट द टॉप क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, देन क्या है, स्टेट लेवल पर स्टेट हाई कोर्ट होते हैं, और उसके बिलो हमारे पास एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और देन और सबॉर्डिनेट निचले स्तर के कोर्ट होते हैं। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। बोथ द सेंट्रल लॉज एंड द स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय दिस सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्ट्स। तो ये हमारी जो कोर्ट है ना, वो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल स्टेट की अलग अलग लॉ को इन्फोर्स करती है। अगर मान लो कोई केस आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया है, तो जब वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसका निपटारा करेगी, तो वो ये नहीं देखेगी कि हाँ भी हमारे स्टेट का क्या कानून है इसके ऊपर, चाहे कानून स्टेट का हो चाहे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो जुडिशरी का काम है सारे कानूनों को पढ़कर, ठीक है, केस के हिसाब से अपना वर्डिक्ट देना। तो सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों का एनफोर्समेंट कैसे होता है, ये सारी कोर्ट के द्वारा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंट्रल लॉ को डील करेगी और स्टेट लेवल की कोर्ट सिर्फ स्टेट लॉ को डील करेगी, ऐसा नहीं है। सारी कोर्ट्स सेंटर और स्टेट दोनों लॉ को डील करती हैं, दोनों लॉ का इन्फोर्समेंट करती हैं। पर यूएस में क्या है, एक डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, वहां पर दो है कोर्ट, दो सिस्टम है, सेंटर का अलग और स्टेट की अलग। हेयर द फेडरल जुडिशरी वो क्या करती है, सेंटर वाली एनफोर्सर्स फेडरल लॉ। तो जो सेंटर के लॉ है उसकी इन्फोर्समेंट के लिए उनकी सेंट्रल जुडिशरी है, वहां पर उसे फेडरल जुडिशरी कहते हैं। तो वो क्या करती है, फेडरल लॉ को एनफोर्स करती है, और स्टेट लेवल पर स्टेट जुडिशरी होती है, वो स्टेट लॉज को एनफोर्स करती है। हमारे यहां पर ऐसा नहीं है, एक ही है। आगे देखो जी, हमारे यहां पर ना एक है ऑल इंडिया सर्विसेज का कंसेप्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज। देखो, जब आप एग्जाम दोगे यूपीएससी का, तो उस एग्जाम में आपको IAS और IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है, ये दो सर्विसेज अगर मिल गई, और एक होता है ये IFS, ये होता है इंडियन फॉरन, नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये अलग से एग्जाम है। तो फॉरेस्ट वाला, पुलिस वाला और एडमिनिस्ट्रेशन वाला, इन सर्विसेज में क्या होता है कि आपका जो रिक्रूटमेंट है और अपॉइंटमेंट वगैरह कौन करता है, सेंटर,
कंट्रोल भी किसका होता है, ओवरऑल सेंटर का, पर नौकरी आपने एक स्टेट में करनी होती है, ठीक है ना। नौकरी आप कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट की, पर आपके ऊपर कंट्रोल किसका है, सेंटर का। तो ये भी क्या है, यूनिटरी फीचर होगी, फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरल फीचर को ये वायलेट करता है प्रिंसिपल। इन द यूएस, यूएस में क्या है, द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, अलग अलग है। इनके पब्लिक सर्विसेज भी क्या है, अलग अलग है। पर इंडिया में क्या है, इंडिया में भी चाहे देयर आर सेपरेट पब्लिक सर्विसेज एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। आप देखो ना, स्टेट लेवल पर आप पीसीएस का एग्जाम देते हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो क्या है, आपका एग्जाम लेते हैं और आपको स्टेट लेवल की नौकरियों पर पब्लिक सर्विस में आपको नौकरी देते हैं। इसी प्रकार सेंट्रल लेवल पर हमारा यूपीएससी है, तो वो जूनियर लेवल पर आपका एग्जाम लेता है और आपको आईपीएस, आईएएस है ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऐसी सारी सर्विसेज के लिए सिलेक्ट करते हैं। अलग अलग सर्विस कमीशन तो है, पर इसके साथ साथ ही क्या है, बट इन एडिशन टू इट देर आर सर्विसेज विच आर कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कि सेंटर और स्टेट के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक। दीज आर कॉल्ड ऑल इंडिया सर्विसेज, इनको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, जैसे आई ए एस, आई पी एस एंड आई एफ एस। एफ का मतलब फॉरेस्ट है यहां पर, ठीक है जी। इन सर्विसेज में क्या होता है ना, जो तो सेंटर है वो बंदों को क्या है, रिक्रूट करता है, चुनता है, उनकी ट्रेनिंग देता है, फिर क्या करता है, स्टेट में अपॉइंट कर देता है, और इसी सेंटर के पास अल्टीमेट कंट्रोल भी होता है। तो अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर का, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग भी देनी किसने, सेंटर ने, पर ये बंदे कहां जाते हैं चुनकर, नौकरी कहां करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की। तो इस हिसाब से फेडरल प्रिंसिपल वायलेट हो गया, ठीक है जी। आगे है जी इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ऑडिट करना, जो सरकारों के अकाउंट होते हैं उन्होंने कितना खर्चा किया, क्या खर्चा रूल के हिसाब से किया, उसको ऑडिट करना, वो किसका काम होता है जी, कैग का। तो हमारे यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक ऑफिस है, कैग। तो ये क्या करता है, ऑडिट करता है अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को भी कौन ऑडिट करता है, कैग, और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को भी कौन ऑडिट करता है, कैग। अच्छा जी, पर इस कैग की जो अपॉइंटमेंट है ना, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट करता है, जाहिर सी बात है, इसमें इसमें किसका से होता है, सेंटर का। तो इसको, तो हमको पता है कि प्रेसिडेंट क्या है, कैसे काम करता है, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब, और इस देखो, इस अपॉइंटमेंट में और रिमूवल में जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्टेशन नहीं करता स्टेट के साथ। There is no consultation with the states in this process. State की कोई consultation नहीं, उनके साथ कोई विचार विमर्श नहीं, तो उनका कोई say नहीं। देखो, आप account का audit कर रहे हो state level का भी, पर state level का कुछ say नहीं है आपका, उनका उनकी कुछ consultation नहीं है। तो इसका मतलब state की financial autonomy के ऊपर control किसका है, center का। पर US में ऐसा नहीं है, वहाँ पर the central CAG do not audit the accounts of the स्टेट्स। तो सेंटर का जो कैग है वो स्टेट के अकाउंट को ऑडिट नहीं करता, वो अपने सेंट्रल लेवल तक के अकाउंट को ही ऑडिट करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा फेडरल प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।